कोलकाता में लगातार आरजी कार को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के बाजार में पूजा की शॉपिंग भी जारी है। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीप्सिता दी है, जिस तरह से बंगाल में इस सियासत हो रही है आरजी कार को लेकर, कैसे देखती हैं आप? जेएनयू की छात्र रही हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है, जो आम लोग हैं, जो मन पसंद लोग हैं, जो चाहते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो उनका उनके पास जीने का हक हो, जीने का अधिकार हो। जिस तरीके का रेप का घटना हुआ है, मर्डर का घटना हुआ है, और उसके बाद जिस तरीके का धांधली के बारे में हमें पता चला है, चाहे वो ऑर्गन ट्रेडिंग हो, चाहे वो डेड बॉडी को उसको लेके स्मगलिंग करना हो, इन सारे चीज़ों के प्रतिवाद में बहुत सारे लोग, आम लोग, राजनीतिक दल तो है ही, उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग जिनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, वो सड़क पे उतर के आए हैं। और हमें लगता है ये बहुत एज अ बंगाली, एक ऐसा महिला जो कोलकाता में पैदा हुआ है, हमें लगता है ये बहुत गर्व की बात है, बहुत फख्र की बात है कि पश्चिम बंगाल की जनता, आम जनता, यह भूला नहीं है कि उसके खून में मास्टर दशरूर्जो सेन, बिनॉय बादल दिनेश का खून है, जो हमेशा जहाँ जहाँ पे भी अन्याय हुआ है, जहाँ जहाँ पे भी जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद किए हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि पूजा में आप लोग लौट जाएं, जूनियर डॉक्टरों से अपील की थी, लेकिन कोलकाता के बाजारों में देखा जा रहा है लोगों की भीड़ हो रही है, क्या कहेंगे उन लोगों से? हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप दुकान मत जाइए, बाजार मत जाइए, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि वो अपना काम धाम छोड़ दे। हमने ये कहा कि अगर आप नया पूजा के लिए नया कपड़ा खरीद भी रहे हैं, तो आप जब वो कपड़ा पहन के पूजा मंडप में जाए तो तिलोत्तमा को मत भूलिए। हो सकता है आप एक छोटा सा बैज लगाए जिसमें जस्टिस फॉर आरजी कॉल लिखा हो, हो सकता है जैसे हम लोगों ने बैज लगाया जस्टिस फॉर तिलोत्तमा, ये आप लगाए हो। हम लोगों ने ये नहीं कहा कि जो हमारा इकोनॉमी है वो इकोनॉमी बंद हो जाए, पर हमने ये कहा है कि जिस परिवार की एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, वो काम करते हुए जिसके साथ खून हो जाता है, क्या उस परिवार का एक सदस्य होने के नाते हमारा ये हक नहीं है कि हम गुस्से में रहे, कि हम प्रतिवाद में रहे, कि हम आंदोलन में रहे? तो हमने ये कहा है कि लोग अपना अपना काम करें, पर उसके साथ साथ तिलोत्तमा को ना भूले। और अगर जो लोग कोलकाता को जानते हैं वो जानते होंगे कि जो भीड़ आप देख पा रहे हैं पूजा के पहले, यूजुअली दूसरे सालों में इससे 10 गुना भीड़ होता है, ये उसका 1/10 है। ऐसा नहीं है लोगों ने कुछ साजिश किया है, पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि उनका इसका ज़रूरत नहीं है, अभी उनके लिए प्रतिवाद में रहना, आंदोलन में रहना, ये ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल मैडम, कि इसको लेकर जो राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी कई दिनों तक यहाँ पे मंच पर, बीजेपी का राजनीति है, हम लोगों ने देखा है पूरा देश के अंदर, अगर कोई ऐसा पार्टी है जिनकी एमपीओ के खिलाफ सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर आक्रमण करने का इतिहास है, वो बीजेपी का है। बीजेपी इसमें राजनीति करने की कोशिश किया है, पर द पीपल ऑफ बंगाल, आम जनता जो है, उन लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट किया है, खारिज किया है।